भाइयों और बहनों, पिछली बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। हम चुनाव हारे नहीं थे, हम चुनाव जीते थे। आपने पूरा समर्थन किया, आपने कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया था। आपकी जो सरकार थी, जिसने किसानों का कर्जा माफ किया था, जैसे ही हम आए थे हमने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं, और हमने 27 लाख लोगों का कर्जा माफ किया था। 100 यूनिट बिजली हम 100 रुपए के लिए देते थे। ओबीसी रिजर्वेशन हमने 27% किया था। उस सरकार को बीजेपी ने आपकी आंखों के सामने पैसा देकर खरीद कर आपके आंखों के सामने से उसको छीना। ये भूलिए मत, ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, शिवराज चौहान जी की सरकार है, ये आपने नहीं बनाई, ये गरीबों ने नहीं बनाई, ये किसानों ने नहीं बनाई, मजदूरों ने नहीं बनाई, आदिवासियों ने नहीं बनाई, ये आपसे चोरी की गई सरकार है। और इसको यहां के बड़े उद्योगपतियों ने करोड़ों रुपए देकर, विधायकों को खरीद कर यह सरकार चोरी की सरकार बनाई। भूलिए मत, और इनको याद दिलाइए। कहते हैं बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, चोरी की सरकार है। कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने चोरी करके यहां सरकार बनाई है। और इस बार मोदी जी आए हैं, मजाक है, पिछली मीटिंग में मुझे कहा गया मोदी जी आए, कहते हैं हमने एक डिस्ट्रिक्ट में 500 कारखाने खोल दिए, मध्य प्रदेश में एक कारखाना इन्होंने नहीं खोला, यहां पे पास में छत्तीसगढ़ है, बॉर्डर पे पड़ता है, वहां हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ का पूरा चेहरा।